गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो जी, मैं बिल्कुल तैयार श्यार होकर कहाँ चली। साड़ी पहनी हुई है आज मैंने, और मैं कहाँ चली इतना सज संवर के। तो जी, मेरी थी दीदी की बेटी की रोका सेरेमनी, मुझे आज वहाँ जाना पड़ रहा था। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम चारों जा रहे थे आज। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मन कर रहा था कि कब पहुँचेंगे हम वहाँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कोई भी फंक्शन अटेंड करने में, क्योंकि मैं बहुत ही कम बाहर जाती हूँ। सारा दिन काम, पार्लर घर, लेकिन आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे रेडी होने में 1 घंटा लग गया था, और हम चले थे अपनी मंजिल की ओर। तो देखना, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या हमने धमाल किया, ये आपको देखने को मिलेगा। बताना दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ इतना सारा तामझाम कर कर, साड़ी पहनकर मैं कैसी लग रही हूँ? तो जी, हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल की तरफ, और मंजिल पर हम पहुंच चुके थे। देखिए, ये सारे लोग लड़के वालों की तरफ से है। ये लड़के वालों की, ये सास है मेरी दीदी की, लड़की की सास है, और बाकी ये सब उनकी देवरानी जिठानियां हैं। तो काफ़ी अच्छी थी इनकी सास, बहुत ही हंसमुख थी। सब बहुत अच्छे थे, सबसे मिलके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आगे आगे देखिए क्या होता है। तो जी, ये रोका सेरेमनी थी, और जो लड़की की नंद है वो अपनी भाभी को रेडी कर रही थी। इन्हीं का रोका है जिनको रेडी किया जा रहा है, और ये इनकी नंद है। ग्रीन आउटफिट में इनकी नंद है, और ये पिंक आउटफिट में लड़की है जिसको रेडी किया जा रहा है। ये है मेरी दीदी की बेटी। क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेरे घर में भी मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब मेरी भाभी की बेटी भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसने ही इनका लाइट लाइट मेकअप कर दिया था। सिर्फ अब फॉर्मेलिटीज पूरी ही करनी थी, क्योंकि मेकअप तो हो ही चुका था। आओ बाहर। नीचे कर, नीचे झुका के। किससे बनवाऊँ? सब बना रहे हैं। तो जी, लड़की स्टेज पर आ चुकी थी, और अब आगे देखिए, जो भी रस्में होंगी वो आपके सामने ही होगी सारी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो जी, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ, और ये सारी मेरी चिल्लड़ पार्टी है। तो जी, सब मेहमान आ चुके थे, और स्टार्ट हो गया था ब्राइडल को, मतलब जो भी चीज़ लाते हैं रोके में वो पहनाना। ठीक है, तो इनकी ससुराल की तरफ से काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स थे, तो वो दुल्हन को
मतलब ब्राइड को दे रहे थे। जी सारी रस्मों के बाद अब था एंजॉय करने का टाइम। सब एंजॉय कर रहे हैं, ब्राइड को भी डांस करवाया। जी अब थी फोटो सेशन की बारी, सब बारी बारी फोटो सेशन करवा रहे थे। तो जी ये हमारी ब्राइड की नंद थी और बहुत ही प्रिटी और बहुत ही क्यूट थी और नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जी इन सब की मैं लीडर हूँ, ये मेरा गैंग है छोटा सा, मिलिए आप सब इनसे। तो जी सारी रस्में होने के बाद हमने किया डांस और बहुत सारा एंजॉय किया। जाने का समय आ गया था और खाना खा पी कर हम निकल पड़े थे घर की तरफ। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।